तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे, अगर आपके पीएफ में कोई दूसरी कंपनी दिखा रही है एंड वो कंपनी आपको मिल नहीं रही है, वो कंपनी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं कर रही है और आपने एक्सपीरियंस दिखा दिया किसी दूसरी कंपनी का, तो उस सिचुएशन को आप कैसे डील करोगे, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि आप जिस किसी कंपनी में वर्किंग होते हो वहाँ पे पीएफ पासबुक आपका क्रिएट होता है एंड वो पीएफ पासबुक जो होता है वो कंपनी का एक पर्टिकुलर नंबर होता है। कोई एक्स वाई जेड कंपनी है उसका पीएफ पासबुक नंबर कुछ अलग होगा, कोई एबीसी कंपनी है उसका पीएफ पासबुक नंबर अलग होगा, तो वो एक इंडिविजुअल कंपनी प्रोफाइल होता है या कंपनी के एंड से वो आपका पीएफ पासबुक जनरेट किया जाता है जो कि सेम किसी और कंपनी का नहीं हो सकता। तो उस केस में क्या होता है कि जब आप एक्सपीरियंस किसी दूसरी कंपनी का लगा देते हो एंड पीएफ पासबुक में दूसरा होता है, तो क्या होता है कि वो कंपनी आपका डेटा वेरीफाई करती है, पूरा का पूरा डेटा वेरीफाई करेगा कि आपने एक्सपीरियंस कहाँ का लगाया है और पासबुक में डिटेल कहाँ की है। तो अगर इन केस वो चाहें तो निकाल सकते हैं, मतलब 50-50% के यहाँ पे केस होते हैं। बट कंपनीज क्या करती हैं कि आपका जो रियल एक्सपीरियंस है, जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स उस कंपनी के पास जाते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए विद दी अटैचमेंट, और वो आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर है कंपनी चेक करती है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके करेक्ट हैं कि नहीं हैं, और जो पीएफ पासबुक में आपका नंबर आ रहा है वो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो मैच करने की केस में मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि कंपनी वो मैच करेगी, सारा कुछ डेटा उसका निकालेगी, बट अगर आपके पीएफ पासबुक में दिख रहा है कोई सा भी एक्स वाई जेड कंपनी का है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे या फिर उस पर्टिकुलर पासबुक का आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। बाकी ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनी पर डिपेंड करता है कि आपने जो एक्सपीरियंस सबमिट किया और पीएफ पासबुक जो नंबर है वो दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली केस में वो मैच करते हैं, बट एक्सेप्शन केस में मान लो 1% के केस में कई बार वो चीज़ें निकल जाती हैं, वहाँ पे वो क्रॉस वेरीफाई नहीं होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ टेक की फील्ड में या टेक की दुनिया में कोई भी चीज़ 100% श्योर नहीं है। तो वो एक्सेप्शनल केस में है कि उन्होंने वेरीफाई नहीं किया, वो एक अलग चीज़, क्योंकि लाखों करोड़ों कंपनीज हैं और हर एक का पासबुक अपना अलग है। वो कंपनी आपका CIN नंबर, ऑफर लेटर या एक्सपीरियंस लेटर पे वहाँ पे पड़ा है, अगर वो मैच नहीं कर रहा है आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वहाँ पे कैंसिल हो जाता है, या पर्टिकुलर एक नंबर होता है, या फिर वो वेरीफाई करते हैं कंपनी के स्टैम्प से और कंपनी के अथॉरिटी सिग्नेचर से जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए होते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि ऐसा ना करें, अगर आपकी कंपनी का पासबुक दिख रहा तो उसी कंपनी के डॉक्यूमेंट सबमिट करें और उसी कंपनी से वेरिफिकेशन कराएं, भले ही वो कंपनी बंद हो गई या कुछ भी हो गई, तो वो चीज़ आप जस्टिफिकेशन दो। और जस्टिफिकेशन आपको इंटरव्यू के पहले देना, ये नहीं कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो गया या हो रहा है प्रोसेस में तब आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो, या उन लोगों ने निकाल लिया तब आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो, तो वो आपका फिर फेक में कंसीडर होता है। लेकिन आप पहले से वेरिफिकेशन देते हो या पहले से आप उनको अप फ्रंट बता के चलते हो कि ऐसा ऐसा केस है, पीएफ पासबुक है, वो कंपनी बंद होगी, वहाँ से BGB मेरा नहीं होगा, ये चीज़ जब आप पहले से बता के चलते हो तो कंपनी उस चीज़ को सिक्योर समझते हैं और उस बंदे को जेन्युइन समझते हैं। बट वो अगर निकालते हैं तो वो चीज़ आपका फेक में कंसीडर होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा आप उसमें मुझे व्हाट्सअप पे पिंग कर सकते हो, बट वहाँ पे चार्जेबल कॉल होती है पर कंसल्ट। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।